आजा मेरे भाई आजा, लगता है ये वाला शहर बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो हमारे जैसे और भी बच्चे मिलेंगे, फिर वो तेरे और मेरे दोस्त बन जाएंगे। मेरे भाई मुझे काफी डर लग रहा है, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। अरे अच्छी बात है ना, बड़े होकर हम भी ऐसी गाड़ियाँ लेंगे। नहीं मेरे भाई, मैं कितना अजीब सा बर्गर बेबी हूँ और लोग तुझे भी यहाँ पर अजीब सा फ्रिज बेबी बोलते हैं, हमें कौन प्यार करेगा? अरे तो हम यहाँ पर खुद मेहनत करेंगे और यहाँ पर लोगों से प्यार करवाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ना एक दिन गॉड फ्रिज मैन और साथ साथ में गॉड बर्गर मैन बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अरे देख 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 देख, सामने कितने सारे बच्चे हैं। अला नाचो नाचो नाचो, अला एक मिनट, यह कौन है? अरे ये तो कोई फ्रिज लगता है। अरे गाइस मेरा नाम है फ्रिज बेबी, और मेरे भाई से मिलो, वो बर्गर बेबी है। अरे गाइस कैसे हो, हम यहाँ पर आपके दोस्त बनना चाहते हैं। अरे ये कैसे बच्चे हैं गंदे से, अरे भागो भागो, छी 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 छी। अरे मम्मी पापा ने बोला है गंदे बच्चों के पास नहीं रहना, इसका तो फ्रिज भी कितना गंदा है, सड़ा हुआ खाना रखा है इसके फ्रिज में। भागो भागो भागो, अरे हाँ भागो भागो, ये तो कितने बोला बच्चे हैं। देखा भाई, ये तो भाग गए हमसे डर के। यार हमें से क्या बुराई है कि कोई हमसे दोस्ती नहीं करता। एक मिनट, वहां पर दो बच्चे और हैं। आला नाचो नाचो नाचो, अरे नाचो नाचो नाचो, दो बच्चों की और आवाज आ रही है। आजा बर्गर बीबी, उनसे दोस्ती करेंगे। अरे देखो देखो कितने बकवास बच्चे हैं ये। अरे तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें पैसे भी नहीं देते होंगे। देखा भाई, ये भी हमारी बुराई कर रहे हैं। अरे देखो देखो कितने बेकार बच्चे हैं, इनसे कौन दोस्ती करेगा, इनके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। ओह नो, तुम लोग ऐसे हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, हमारा दोस्त कोई क्यों नहीं बनता? मेरे भाई अब हमारा क्या होगा, कोई भी हमसे दोस्ती नहीं करता, सब भगा देते हैं। कोई नहीं, हमारे दोस्त है ना ये सब। गाइस अगर आप हमारा दोस्त बनेंगे तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। आजा मेरे भाई आजा। एक मिनट, ये बच्चे कौन है अब? आला आला देखो देखो कितने बकवास बच्चे। अरे इस फ्रिज बेबी की तो फ्रिज फोड़ दो, ए मेरे भाई से दूर रहो वरना तुमको छोड़ूंगा नहीं। अबा तू हमको धमकी देगा, मैं आइस एलिमेंटल फोन मैन हूँ, मैं डरता नहीं हूँ समझे, तुमसे अभी बताता हूँ ले। ओ नो प्लीज गाइस, लड़ाई मत करो, मेरे भाई को मत मारो। अबा चल, अजीब से दिखने वाले बच्चे निकल यहाँ से, चल तेरे को कोई भी यहाँ पे भीख नहीं देगा। अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आया था। अबा तुमसे कौन दोस्ती करेगा? अरे हाँ मार इसको बर्बर बेबी को, मार बर्बर बेबी को। अरे मैं बर्बर बेबी नहीं हूँ, मैं बर्गर बेबी हूँ। अरे जो भी हो मालो मालो, अरे हाँ मालो मालो, छपको मालो, छोलो मत इनको, काफी मजा आ रहा है। तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। हमारे मम्मी पापा ही बोलते हैं अच्छे बच्चों को पीटा करो, इनसे दूर रहा करो। चल मेरे भाई यहाँ से चलते हैं, वरना ये लोग और हमें पीटेंगे। कोई नहीं, एक दिन जब हम यहाँ पर बर्गर गॉड और फ्रिज गॉड बनेंगे तब इनको बताएंगे। बिल्कुल सही कहा गाइस, हम मेहनत करेंगे और यहाँ पर हम खुद की फैमिली आगे बढ़ाएंगे, खुद का परिवार बनाएंगे। आजा मेरे भाई बर्गर बेबी आजा, हम यहाँ पर मेहनत करेंगे और खूब यहाँ पर तरक्की करेंगे। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। अब यार इतना टाइम हो गया, हमें कोई भी यहाँ पर हमारी मन पसंद का बच्चा नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा यार, दिमाग खराब हो रहा है। अब ये क्या? मेरे भाई मुझे भूख लगी है। भाई मेरे फ्रिज में खराब खाना है वरना मैं तुझे खिला देता। अब तू कौन है बच्चे? अब तू तो बर्गर बेबी है। ओए ओ चल चल हमारी फैमिली में चल, तुझे भूख लगी हम तुझे खाना देंगे और तेरा साइज बढ़ाएंगे। अबे ऐसे गंदे बच्चों के साथ मत रहा कर, ये कितना गंदा सा फ्रिज बेबी है, इसका फ्रिज देखिए और छी छी छी, ऐसा लगता है 100 साल पुराना हो। अरे आप मेरे भाई को क्यों पीट रहे हैं? अरे आप कौन है? मैं अब बर्गर मैन हूँ और बहुत जल्द मैं दुनिया का बर्गर गॉड भी बनूंगा, फिलहाल तू मेरे साथ चल रहा है। नहीं मुझे मेरे भाई के पास रहना है। हेलो बर्गर मैन, मेरे भाई को छोड़। अब तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर मुझे धमकी देता है, अभी बताता हूँ सबसे पहले। ए बर्गर मैन, यहाँ पर तू मेरे साथ चलेगा? नहीं मेरा भाई मेरे साथ रहेगा, आप होते कौन है उसको मुझसे दूर करने वाले? हाँ हटिए यहाँ से, दूर हट जाइए। बिल्कुल मैं तो अपने भाई फ्रिज बीबी के साथ रहूंगा। अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? अभी बताता हूँ तुझे बेटा, फ्रिज बेबी तेरा फ्रिज फोड़ दूंगा। ये मेरी गोल्डन बर्गर लेजर है, वो कैसी लगी? नहीं मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज, मेरे भाई को मत मारो। अगर भाई की सलामती चाहता है तो चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरी और तेरे भाई की बैंड बजा दूंगा। वो काफी मजा आ रहा है, लेके चलो उस बच्चे को। मेरे भाई को मुझसे दूर ले गए। अरे यार ये एलिमेंटल बॉक्स हम कैसे पहुंचे, ये टावर तो काफी ऊंची है। अरे बिल्कुल सही कहा, हमें ये एलिमेंटल बॉक्स चाहिए। एक मिनट, ये क्या है? ये तो फ्रिज मैन एंड फ्रिज वुमन है। गाइस क्या मैं उस एलिमेंटल बॉक्स को ले सकता हूँ? अरे हाँ बच्चे तू बिल्कुल ले सकता है, वैसे तेरा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, ना ही मेरे कोई मम्मी पापा है, मेरा तो फ्रिज भी देखिए कितना गंदा सा है, और आपका तो फ्रिज कितना बढ़िया है, उसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स रखी है। बच्चे चिंता मत कर, एक बार वो सामने वाले एलिमेंटल बॉक्स को तू ले लेगा तो यहाँ पर तेरे पास भी अच्छा फ्रिज आ जाएगा, तू भी मेरी तरह काफी बड़ा और ताकतवर फ्रिज मैन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल बच्चे जल्दी।
किया और आज से तू हमारी फैमिली का बच्चा है। बिल्कुल बच्चे, जा जाकर अपने आप को प्रूव कर। बिल्कुल, मुझे अपने भाई को बचाना है, मुझे आपको बहुत कुछ बचाना है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे भाई के साथ साथ क्या हुआ है। बिल्कुल बच्चे, हम सब कुछ सुनेंगे। गाइस, लेकिन मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? वैसे मैं यहाँ से चढ़ के जा सकता हूँ। गाइस, आप लोग प्लीज जरूर वीडियो लाइक कीजिए। मैं ये सब जो कर रहा हूँ अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने बर्गर बेबी भाई को बचाना होगा उस बर्गर मैन की फैमिली से। अरे बच्चे, तू इस तरह से नहीं जा पाएगा, तुझे अपनी सुपर पावर्स यूज करनी होगी। दिमाग लगा। दिमाग कैसे लगाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस, मैं काम कर सकता हूं, क्यों ना यहां पर सुपर आइस का एक रास्ता बना दूं। मैं फ्रिज हूं तो यहां पे बर्फ जमा सकता हूं। वाह मेरे बच्चे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, काफी समझदार है ये तो। अरे गाइस देखिए, मैंने अपने फ्रिज से बर्फ जमाया और उसको बाहर लगा दिया। अब यहां पर ये बर्फ जब तक यहां पे जमा रहेगा मैं आराम से ऊपर जा पाऊंगा। चलिए गाइस, हम एलिमेंटल बॉक्स तक पहुंच चुके हैं। इसको फोड़ दूंगे अंकल आंटी। बिल्कुल बच्चे, और हमको तू मम्मी पापा बुला, अंकल आंटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी पापा, मैं इसको फोड़ता हूँ। ये मैंने इसको लगाया शायद, ये फोड़ा। अरे वाह मेरा साइज, मम्मी पापा मेरा साइज देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। अरे हाँ, तू तो 2000 साइज का हो गया, मैं तो गोल्डन फ्रिजमैन बन गया। मेरी बॉडी पूरी गोल्ड की हो गई है और मेरा फ्रिज, उसके अंदर भी ड्रिंक्स आ गए। अब मैं अपने भाई बर्गर बेबी को अच्छी अच्छी ड्रिंक्स पिलाऊंगा, वो खूब खुश रहेगा। और यहाँ पर अच्छा अच्छा ताजा ताजा खाना खिलाऊंगा उसको। बिल्कुल मेरे बच्चे, लेकिन तेरा भाई है कौन? मेरा भाई बर्गर बेबी है, उसको बर्गर मैन की फैमिली जबरदस्ती ले गई है। चिंता मत कर, जब तू यहाँ पे बड़ा हो जाएगा अपने भाई को जरूर बचा लेगा। चल हम तुझे लेके चलते हैं। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे इसको चुप कराओ यार, कब से रोए जा रहा है। अब यार तुझे अभी बताता हूँ, मैंने तुझे जिंदगी का इतना सुनहरा मौका दिया है और तू यहाँ पर रोने में निकाल रहा है, उसको तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भाई यहाँ पर भीख मांगता फिर रहा होगा, पिटता फिर रहा होगा, और मैं तुझे यहाँ पर इतना बढ़िया काम देने आया हूँ। मैं क्या करूँ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। चुपचाप सामने देख, ये क्या है? ये हमारे फैमिली का सबसे बेस्ट जायंट एलिमेंटल बॉक्स है। तुझे नहीं पता इससे क्या होता है? मुझे नहीं पता। इसके अंदर एक सुपर ट्रेडमिल निकलेगा, उस पर जो भी भागेगा, जब तक भागेगा उसका साइज बढ़ता जाएगा। इस तरह के ट्रेडमिल दुनिया में बहुत कमी से मिलते हैं। ये देख, अभी दिखाता हूँ तुझे फोड़ा। ये फोड़ा, हा, कितना स्पेशल ट्रेडमिल बच्चे। अब तू देखेगा किस तरह से बर्गर मैन बर्गर गॉड बनेगा, अपना साइज 10,000 करोड़ करेगा, समझा तू? अरे नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ। गाइस, जब तक वो आदमी अपने काम में बिजी है मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। वाह, मैं यहीं पे छुप जाता हूँ। जब वो मुझे ढूंढने इधर उधर जाएंगे मैं अपने भाई फ्रिज बेबी के साथ दूसरे शहर भाग जाऊंगा। आला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अपनी नई गन किस पे इस्तेमाल करूँ? आ भाई तू कौन है? अले तू तो बलगल बेबी है, तेरे बारे में तो चालो तलब बात फैली पली है। निकल निकल निकल, चल चल चल, माल यहाँ से, तू है कौन? अरे मुझे क्यों मार रहा है, मुझे जाने दे। अब क्या चल रहा है पीछे? हेलो, अबे मेरा बच्चा बर्गर बेबी बार बार क्यों भाग जाता है? ए बॉल बेबी, मेरे बच्चे को क्यों पीट रहा है? अले अंकल जी, ये भाग रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ से भागेगा? अभी बताता हूँ तुझे। नहीं प्लीज मत मारिए, अब नहीं भागूंगा, अब नहीं भागूंगा। पहले तुझे सजा मिलेगी, सुपर बर्गर अटैक। हा, ये तो विंडमिल का अटैक हो गया, पर इसमें भी मजा आ गया। बहुत बढ़िया, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चल बच्चे अब तू देखेगा किस तरह से तेरा पापा साइज बढ़ाता है अपना। ओ भागो 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 भागो, और तेजी, भागो 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 भागो। गाइस ये क्या, क्या सच में बर्गर मैन इस तरह के ट्रेडमिल से अपना साइज बढ़ा पाएगा या फिर झूठ बोल रहा है? अरे नहीं, ये तो सच में बड़ा हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अब मेरी सुपर फास्ट बर्गर राउंड एलिपोर्ट सेलिपोर्ट सारी स्पीड से देख मैं किस तरह से आगे बढ़ गया। अरे ये सब क्या था, मैं कुछ समझा ही नहीं, ये किस तरह से हुआ? ये ट्रेडमिल से भागा मैं और इतनी तेजी में मेरा साइज बढ़ गया, अब मैं दुनिया का गॉड बर्गर मैन बन गया हूँ। लेकिन अब तुझे मुझसे भी ज्यादा होनहार और ताकतवर गॉड बर्गर मैन बनना है, समझा बच्चे? लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा, ट्रेडमिल तो आपने यूज कर लिया, अब मैं क्या करूंगा? हमारे पास और भी बढ़िया बढ़िया ट्रेडमिल मिलेंगे, इसलिए आज तुझे पहला टास्क दिया जाएगा। बिल्कुल बच्चे, समझा? सामने देख, रोड पे। सामने रोड पे क्या, यहाँ पर एक खतरनाक बिजली का तुझे जाल मिलेगा। बिल्कुल, और इस बिजली के जाल को तुझे यहाँ पर अपनी काबिलियत को कामयाब करते हुए आगे जाना होगा। जैसे ही तू आगे जाएगा यहाँ तुझे एक स्पेशल ट्रेडमिल मिलेगा। हालांकि तू एक बार ही अपना साइज बढ़ा पाएगा, लेकिन अब तेरा साइज यहाँ पर बर्गर बेबी से बर्गर मैन में बदल जाएगा, तू गोल्डन बर्गर मैन बन सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन होने वाला है। चल 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 चल, हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है, आगे बढ़ आगे बढ़। बढ़ रहा हूँ आगे। ओ नो, ये करंट लग गया। गाइस प्लीज हेल्प मी, कमेंट में
जल्दी से बर्गर बेबी ओपीले को, मैं जितना जल्दी बड़ा हो पाऊंगा उतना जल्दी अपने भाई फ्रिज बेबी से मिल पाऊंगा। प्लीज बर्गर बेबी ओपी लिखिए मेरे लिए, बाकी मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहा है तू। वाह क्या बात है, मैं बिजली के करंट से बच के आ गया। अरे 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 जल्दी कर बच्चे, वरना तुझे पीटूंगी समझा, चुपचाप अपना साइज बढ़ा, ले 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 ले। अरे बाप रे मैं जा तो रहा हूँ, आप मुझे क्यों पीट रही हैं? जब तक मैं तेरी पिटाई नहीं करूंगी तू ऐसा नहीं मानेगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। जाता हूँ आगे। अरे गाइस अब मुझे यहाँ पर जल्दी से इस ट्रेडमिल से अपना साइज बढ़ाना होगा, वरना वो बर्गर वुमन मुझे पीटती रहेगी। भागो 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 और तेजी से अपना साइज बढ़ाओ बढ़ाओ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहा है तू, बढ़ा तो अपना साइज, क्या बात है, कमाल कर रहा तू बच्चे, चलो भागो भागो। अरे वाह गाइस देखिए मैं तो यहाँ पर बर्गर मैन बन गया, वो भी गोल्डन बर्गर मैन। मेरा भाई देखेगा फ्रिज मैन तो बहुत खुश हो जाएगा। चलिए अपने भाई के पास चलते हैं। इतनी आसानी से नहीं, चुपचाप पे नहीं तरह। ये देखिए मैंने अपना साइज बढ़ा लिया। बहुत बढ़िया, अब मैं तुझे नाश्ते में बहुत बढ़िया बर्गर खिलाऊंगी। मम्मी पापा आप बताइए ना मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए मेरी बच्ची, ये समुद्र का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें शार्क्स रहती है और खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉट भी। ये क्या, यहाँ पर तो बर्गर फैमिली भी आई हुई है। लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ मम्मी। बच्चे तुझे आगे जाना है समझा, ये जितने भी डायमंड स्पीकर मैन है और मेरे बच्चे जितने भी यहाँ पर ये खतरनाक डायमंड स्पीकर मैन की आर्मी है, इन सबको तुझे यहाँ पर चकमा देना होगा या फिर किसी भी तरह से हराना होगा, क्योंकि इनके पास है यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल शुद्ध ट्रेडमिल जो तेरे सांस को साइज को अब से 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। वाह क्या बात है, फिर तो मम्मी पापा मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं अपना साइज बढ़ाने के लिए उस ट्रेडमिल तक पहुंचूंगा और यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट सबसे पावरफुल फ्रिजमैन बनूंगा। चलिए जल्दी से जाता हूँ। अरे ये क्या, ये तो फ्रिज मैन की फैमिली है। ए हटो यहाँ से, मैं अपना साइज बढ़ाऊंगा समझे, मुझे अपने भाई फ्रिज बेबी से मिलने जाना है। एक मिनट, ये तो मेरे भाई की आवाज है बर्गर बेबी की। हेलो बर्गर बेबी क्या ये तू है? हैं भाई तू 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 फ्रिज मैन बन गया? और मेरे भाई तू तो यहाँ पर बर्गर मैन बन गया? अरे हाँ मेरे भाई, मैं तेरे लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना साइज बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी देख, अब मेरे फ्रिज में नए नए ताज़ा ताज़ा कोल्ड ड्रिंक्स है, बता तुझे क्या चाहिए? मुझे मैंगो मैंगो वाला फ्लेवर चाहिए कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है अभी देता हूँ, मजा आएगा। अबे क्या चल रहा है इधर, तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर फ्रिज मैन की फैमिली से दोस्ती करेगा? ये फैमिली हमारी दुश्मन है, दोस्त नहीं, समझा तू? प्लीज मम्मी मैं अपने भाई से बस थोड़ा बहुत बातें कर रहा था, इसमें क्या बुराई है, सब कुछ बुराई तो इसी में। चुपचाप चल अपना साइज बढ़ा वरना तेरे पापा को बता दूंगी। प्लीज पापा को मत बताना मेरे भाई, प्लीज मुझे अपना साइज बढ़ाने दे, मेरे पीछे मत आना। नहीं वो वाला ट्रेडमिल मैं लूंगा, अगर मैं बड़ा नहीं हुआ तो तुझे कैसे बचाऊंगा इस प्रकार सी बर्गर की फैमिली से? अरे वाह मैं तो यहाँ पर बर्गर में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ भी सकता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चे, तू यहाँ पर सुपर लेजर अटैक भी कर सकते हैं। वाह मेरे पास तो सुपर रेड लेजर बर्गर अटैक भी है। वाह गाइस मेरा भाई काफी ज्यादा होनहार हो गया है, पहले से ताकतवर हो गया है, ये मुझे अच्छा लगा देखकर। बट अभी भी वो बेकार सी बर्गर मैन की फैमिली की कैद में, इसलिए मुझे अपने भाई को बचाना होगा। मुझे तो डर है कि कहीं ये मेरे भाई को अपनी तरह ईविल और बुरा ना बना दे। देखिए मेरा भाई कैसे बेरहमी से दूसरे लोगों को मार रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्गर फैमिली तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने भाई को बचाऊंगा। बकवास बंद कर। गाइस मैं किस तरह से जाऊं, क्या मैं तैर कर जाऊं? मेरे बच्चे तू जिस तरह से जा सकता है जाकर देख। गाइस मैं काम करता हूं, यहां पर ना सुपर आइस रोड बना के देखता हूं। गाइस मैं जमीन पे तो आइस का रास्ता बना पा रहा हूं, देखिए बर्फ बर्फ बना पा रहा हूं, लेकिन पानी पे चीज काम नहीं कर रही है। मेरी बच्ची विश्वास रख तू कर पाएगा, तुझे करना होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे फोकस कर। गाइस मुझे यहां पर समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, देखिए पानी पे मैं कोई भी आइस वे नहीं बना पा रहा, रोड वे नहीं बना पा रहा। गाइस आइडिया, अगर आप सभी मेरी मदद करेंगे तो मैं जो कर पाऊंगा। आप लोग प्लीज में एक बार फ्रिजमैन ओपी लिख दीजिए, अगर आप फ्रिजमैन ओपी लिखेंगे तो मैं यहां पर एक ऐसी सुपर फोकस्ड माइंड से यहां पर अटैक करूंगा जिससे कि सच में बर्फ का रास्ता बन जाए। तेरे बस की कुछ नहीं बच्चे, बताता हूं तुझे बर्गर वुमन सुपर रोड। वाह बन गया सुपर रोड, भाई साहब सुपर आइस रोड है, ये तो नॉर्मल रोड नहीं है। अरे ये कैसे कर लिया तूने? कोई नहीं मेरा बेटा बर्गर मैन पहले चला गया वहां पर। कोई नहीं अपने भाई को बचाने के लिए मुझे आशा है उसको भी हराना हो तो मैं उसको हरा के रहूंगा, चाहे उससे लड़ना हो मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन मैं जीत कर रहूंगा। भागो भागो भागो। गाइस क्या बात है, ये बर्फ इतनी ज्यादा पक्की है कि आसानी से पानी में पिघलेगी नहीं, चलो जल्दी चलते हैं वरना बर्फ बहुत जल्दी पानी में पिघल जाती है। चलो 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 चलो। अरे बाप रे थक गया मैं तो काफी। ओ माय गॉड गाइस यहां पर मेरा बर्फ का रास्ता खत्म हो गया, खैर थोड़ा सा दूर है,
मैं यहाँ से तैर कर जा सकता हूँ। अरे सब जा रहे, आपने मार दिया। अब तू है कौन बच्चा, ले हम तेरी बैंड बजा देंगे। ओह नो, मेरे भाई बर्गर मैन पर अटैक कर दिया स्पीकर मैन ने। प्लीज स्पीकर मैन, नहीं मेरे भाई को मत मारो। अब उसका बर्गर बड़ा स्वादिष्ट है, सब भाई आ जाओ उसका बर्गर खाएंगे। नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मेरा बर्गर मत खाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं गाइस, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नया आइस वे बना लूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ, जल्दी तैर के जाता हूँ, मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा। कम ऑन यार, कम ऑन, तू कर सकता है फ्रिजमैन, तुझे अपने भाई के लिए सब करना है। अगर मैं अपने भाई को नहीं, ये क्या शार्क, ओह नो, मेरे बच्चे हिम्मत रख, तू यहाँ पर जीत जाएगा। शार्क को इग्नोर कर और आगे बढ़। ओके यार, मेरे को आगे जाना पड़ेगा, पानी में बहुत खतरनाक शार्क्स हैं यार। ओह माय गॉड, बिल्कुल साइड से निकल के गई, लेकिन शुक्र है मैं बच गया। भागो भागो और तेजी में भागो। बात है गाइस, मैं काफी आगे आ चुका हूँ, लेकिन ये शार्क तो मेरे पीछे पड़ी है। आइडिया, क्यों ना गाइस मैं इसको, इस शार्क को ही बर्फ में जमा दूं। हाँ मैं यहाँ पर इसको अभी सुपर आइस फ्रीज मोड ऑन करके इसको बर्फ में जमा देता हूँ। मेरे बच्चे हाँ बिल्कुल, तुझे यही करना होगा। बच्चे सुपर आइस फ्रीज मोड, वाह, मैंने शार्क को फ्रीज कर दिया। देखिए मेरी कोल्ड ब्रेथ ने यहाँ पर इस शार्क को बर्फ में जमा दिया। लेट्स गो, अब ये शार्क मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये दूसरी शार्क कहाँ से आ गई, इसको भी करते हैं। ये लो सबको मैं बर्फ में जमा दूंगा। फाइनली गाइस, मैंने इनको बर्फ में जमा दिया है। अब ये लोग अटक चुके हैं, अब जल्दी जाते हैं और जाकर अपने छोटे भाई बर्गर मैन को बचाते हैं। अरे बाप रे, मुझे कोई बचाओ, मेरी हालत खराब हो गई। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा मेरे भाई बर्गर मैन, चल मेरे साथ, तुझे मेरा साथ देना होगा। हम साथ मिलके इन सभी स्पीकर मैन की बैंड बजाएंगे। ए डॉल फादर स्पीकर मैन, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई के साथ तुमने क्या किया, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। गाइस वो ट्रेडमिल कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अबे एक और नमूना आ गया इधर, देखो देखो देखो, अबे इसको भी मरना है। अबे ये तो फ्रिज मैन है, अबे इसके फ्रिज को छीन लो, इसके अंदर से ड्रिंक्स निकाल के पी लो और सुपर लाइटनिंग डायमंड स्पीकर अटैक कर दो उस पे। अरे बाप रे, अटैक करके बोलता है कि कर दो। नहीं मेरे बच्चे तू घबरा मत, तू कर पाएगा, तुझे उठना होगा, तुझे अकेले ही यहाँ पर लड़ना होगा। ओह नो, बहुत हो गया गाइस, मैं इस सबसे पहले इस डायमंड स्पीकर मैन को बताता हूँ कि मेरी क्या ताकत है। अरे मेरे भाई, तू मुझे बचाने आ गया, तेरा शुक्रिया। चल अब यहाँ पर साथ मिलकर इनकी बैंड बजाते हैं। बिल्कुल सुपर आइस फ्रीज अटैक, सुपर बर्गर अटैक, वाह क्या बात है। मेरा भाई और मैं साथ मिलकर यहाँ पर बड़े बड़े फ्रिजेस इसके ऊपर फेंक रहे हैं। अब आबा क्या हो रहा है ये, मार दिया मुझे। वाह अरे भाई, यही कहाँ हो रहा है, इतने बड़े बड़े फ्रिज कहाँ से आ रहे हैं। वाह भाई, हमारी पावर तो अद्भुत है, हम तो कमाल कर रहे हैं। अगर तू ना होता तो यहाँ पर मैं नहीं बच पाता। अरे वो तो मेरा फर्ज है तुझे बचाना। लेट्स गो गाइस, इन्होंने जो ट्रेडमिल को छुपा रखा है हम उसको भी ले लेंगे और यहाँ पर इस आइलैंड को भी इन खतरनाक स्पीकर से छुटा देंगे। अबे मैं वापस आऊंगा बच्चा। वाह क्या बात है मेरे भाई, तूने इनको बर्गर में बदल दिया। अरे हाँ मेरे भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर चलो जल्दी जल्दी चाहते हैं। मेरे भाई देख, ये रहा वो ट्रेडमिल, अब जल्दी से एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं अपना साइज बढ़ा लेता हूँ, फिर तू अपना साइज बढ़ा लेना। नहीं मेरे भाई, हम दोनों में से कोई एक ही इस ट्रेडमिल पे अपना साइज बढ़ा पाएगा, और उस साइज को प्लीज मुझे बढ़ाने दे जिससे कि मैं यहाँ पर तुझे बचा लूं। ठीक है मेरे भाई, तू जल्दी अपना साइज बढ़ा और मुझे बचा इस खराब सी बर्गर मैन की फैमिली से। लेट्स गो गाइस, मेरा भाई कितना सही है यार, वो मेरी बातों को समझता है। वाह क्या बात है, मैं तो यहाँ पर जायंट डायमंड एलिमेंटल फ्रिज मैन बन गया, क्या बात है। अरे वाह मेरे भाई, तेरी आधी बॉडी गोल्ड की और आधी बॉडी रेड डायमंड की है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, चल अब घर चलते हैं और यहाँ पर तुझे और मुझे एक दूसरे को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। ये क्या हुआ मेरे भाई, एक मिनट गाइस, मुझे जल्दी से अपने भाई को यहाँ पर आइस में ढकना होगा जिससे कि उसको इतनी गर्मी ना लगे कि वो जल रहा है। नहीं ये कोई और कर रहा है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, कोई मुझे जान के जला रहा है। मैं जला रहा हूँ, तेरी इतनी हिम्मत बेटा कि तूने हमारे परिवार के साथ गद्दारी की, इस फ्रिज मैन को अपना ट्रेडमिल दिया। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, अगर फ्रिज मैन नहीं आता मैं वैसे भी मर जाता, इसलिए वो ट्रेडमिल इसी का था, मेरा नहीं था। बकवास बंद कर, हम लोगों को अगर खाना ना मिले तो हम छीन कर खा लेते हैं। ये क्या हो रहा है, हे बर्गर मैन तुझे शर्म नहीं आती, अपने ही बच्चे को मारता है। अबे तुमको तो मैं बताती हूँ, ये लो, अबे तुमको छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बाप रे ये क्या, अरे नहीं प्लीज बर्गर वो मेरे से मत करो, प्लीज गाइस लड़ाई मत करो हम लोग। ओह नो मम्मी ये क्या हो गया, नहीं नहीं मेरे यार ये क्या हो रहा है, फ्रिज वुमन प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर फ्रिज वुमन तो मर चुकी है बेचारी, अब समय आ गया है तू जो फ्रिज मैन है अपने फादर को भी खोएगा, समझा। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, ये सब क्या हो रहा है, नहीं मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, पापा हमें यहाँ से जाना होगा वरना ये आपको भी मुझसे छीन लेगा। मेरे बच्चे हम डर नहीं सकते, नहीं तो हम इस तरह से मरते रहेंगे, प्लीज मेरी बात को मानिए वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं, भागो भागो। हा, मजा आ गया। अरे गाइस मैं काफी दूर आ चुका।
चुका हूँ, मुझे अपने भाई को बचाना होगा जल्दी, वरना वो मेरे भाई बर्गर मैन को भी जल्दी मार देगा। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, मुझे अभी अभी पता चला है यहाँ पर कोई रेड हल्क जो छोटे बच्चों को चुराता है वो असल में उन सब बच्चों को ईविल बनाने के लिए चुरा रहा है। उसके पास एक ऐसा स्पेशल ट्रेडमिल है जिस ट्रेडमिल को यहाँ पर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, कई 10 तरह के इंसान भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? बिल्कुल मेरे बच्चे, जल्दी एक काम कर, अगर तुझे अपनी मम्मी का बदला लेना है, अपने भाई को उस बेकार से बर्गर गॉड से बचाना है, तो यहाँ पर तुझे इस रेड हल्क से वो स्पेशल ट्रेडमिल छीनना होगा। आ जाओ बच्चों लोग, आ जाओ और ये स्पेशल ट्रेडमिल, घबराओ मत, अपना ही मानो। अरे क्या बात है, कितना अच्छा ट्रेडमिल है अंकल जी, इस पे भाग के क्या होगा, तुम ताकतवर बन जाओगे और यहाँ पर दुनिया पर राज करोगे। देखा तूने ये रेड हल्क कैसे मासूम बच्चों को यहाँ पर अपने पास लाता है लालच में, और उनको अपना गुलाम बनाता है, उनको ईविल बनाता है दुनिया पर चोरी करने में, दुनिया पर खतरा फैलाने में। ओह माय गॉड गाइस, ये सब तो गाइस वही लोग हैं जो शुरू में मेरा और मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि ये बच्चे सब बुरे हैं, ये डिजर्व करते हैं ऐसा, बट यहाँ पर मैं बाकी लोगों को सफर नहीं करने दूंगा। आला छप जाए, पहले मैं अपना छाइज बुलाऊंगा, मैं फोन बेबी हूँ, अब मैं फोन गॉड बनूंगा, मैं आइस एलिमेंटल फोन गॉड बनूंगा। अब नहीं, अब तू फायर एलिमेंटल फोन गॉड बनेगा, भाग बच्चे भाग। अरे वाह वाह वाह, मैं तो सच में फायर एलिमेंटल बन गया, मैं तो लावा एलिमेंटल बन गया, क्या बात है। बताइए मेरे मालिक क्या आदेश है। जल्दी जा और शहर में तबाही फैला, पैसा ला, बैंक लूट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फोन मैन मेरी पास सुन, ये जो रेड हल्क है तुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है, इसने तुझे यहाँ पे लालच दिया। और अब बाप रे, फोन मैन मुझे बचा वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। गाइस इस रेड हल्क की पहले बोलती बंद करते हैं। ए तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर मेरे बॉस को मारता है। वो तेरा बॉस नहीं था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था समझा। तुझे मेरी बात माननी होगी, प्लीज ये बुराई का रास्ता छोड़ दे, जिस तरह से तू पहले बच्चा था उसी तरह से रहे और यहाँ पर छोटे बच्चों की तरह खेल, और आगे से ध्यान रखना मेरे जैसे या मेरे भाई जैसे मासूम या फिर लाचार लोगों का मजाक मत उड़ाना। अबे तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला, अभी तेरे को बताता हूँ, अभी सुपर फायर या सुपर लावा लेजर से तेरी बैंड बजाता हूँ, रुक तुझे फिल्टर लगाता हूँ आग वाला। ये क्या कर रहा है तू, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, प्लीज ऐसा मत कर। लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, सुपर फायर फिल्टर मोड अटैक। ये क्या कर दिया उसने मेरे साथ। नो माय गॉड, लगता है गाइस मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उस बेवकूफ को अपनी पावर भी यूज करनी नहीं आती, लगा रहा था मेरे पे। एक मिनट, उसकी पावर काम कर रही है बट इतनी देर बाद क्यों। ये मैंने तुझे अपनी दुनिया में फंसा लिया है और अब तू यहाँ में आग में जलता रहेगा हमेशा के लिए, तू बोल रहा था ना मेरे को अपनी पावर यूज करनी नहीं आती, ये देख। अरे बाप रे, पोत हो गया गाइस, अब मैं इस मॉलमैन को नहीं बताने वाला, तूने बचपन में मेरे को पीटा और मेरे भाई को यहाँ पर काफी सताया और बड़ा होके भी ये कर रहा है। आला माल दिया, अभी बताता हूँ, ये तो ये ले, अगर तूने आगे से कोई भी बुराई की तो मैं तेरी यही हालत करूंगा। आला बाप ले। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, काफी बार बुराई को सबक सिखाने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत बुरा बनना पड़ता है। आला मम्मी, मेरी हालत खराब हो गई और मुझे माफ कर दे प्लीज, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। वाह गाइस देखिए, वो बच्चा जो शैतान था अब यहाँ पर कम से कम अपना शैतानपना कम करेगा। बाकी चलो गाइस जल्दी जाते हैं और जाकर अपना साइज बढ़ाते हैं और इन मासूम बच्चों को अपने घर भेज देते हैं। जल्दी काम करते हैं, भागो 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 मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, अब तेरा साइज 80,000 से पूरे 5,00,000 होने वाला है, अब तो दुनिया का और भी बड़ा वेरी जायंट फ्रिजमैन बनेगा। भागो भागो भागो। वाह क्या बात है पापा, मैं काफी बड़ा हो गया, मम्मी मुझ पे प्राउड फील करेगी ना। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल करेगी। अब जल्दी जा और जाकर अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपने भैया का, सबका बदला ले उस बर्गर गॉड से, छोड़ मत उसको, अपने भैया को वापस लेकर आ। बिल्कुल मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा, जल्दी चलता हूँ। अगर तूने यहाँ पर यह ट्रेडमिल नहीं बनाया एक मिनट के अंदर तो तुझे मार दूंगा मैं बर्गर मैन, मैं दूसरा बच्चा ले आऊंगा। गाइस वाह, एक चीज आपने नोटिस की, अब मैं यहाँ पर पानी पर चल सकता हूँ, मेरे पास इतनी सुपर फास्ट फ्रिज की स्पीड है। बाकी गाइस अब एक मिनट, ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे, बना रहा हूँ ट्रेडमिल, प्लीज मारना मत मुझे, क्या करूं मैं, इसे बन नहीं रहा है। बोला जल्दी बना ट्रेडमिल वरना मारा जाएगा, तू समझा। तो गाइस ये बर्गर गॉड मेरे भाई से जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेडमिल बनवा रहा है जबकि उस बेचारे को नॉलेज तक नहीं है। ए फ्रिजमैन, तू फिर से आ गया, तो तेरा मन नहीं भरा तेरी मम्मी की मौत देखकर, सुपर बर्गर स्पीड रोटेशन अटैक, मैं तेरे हेड को तो रही शरीर से दूर कर दूंगा। ये क्या कर रहा है तू, नहीं मेरे भाई तू यहाँ पर क्यों आया, ओ नो प्लीज पापा मेरे भाई को छोड़ दो। मैं अब तेरा पापा नहीं रहा, अब तुम दोनों के दोनों यहाँ पे मरने वाले हो। ओ नो, इसने तो मेरा हेड दूर कर दिया, अब मैं अपनी पावर्स कैसे यूज करूं। मेरे भाई तू एक काम कर, जल्दी से इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर, मुझे नहीं पता ये ट्रेडमिल काम करेगा या नहीं, लेकिन मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया, प्लीज जल्दी से इसका इस्तेमाल कर, क्या पता तू दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज गॉड बन जाए और यहाँ पर इस बर्गर मैन की बैंड बजा पाए। बिल्कुल गाइस भागो 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 भागो, अगर आप सभी चाहते हैं मैं अपने भाई के साथ अपने पापा के पास वापस लौटूं तो प्लीज कमेंट पे जल्दी से यहाँ पर ATGamerOP लिखिए, मुझे आप सभी की मदद चाहिए। ये क्या हो गया, ओह माय गॉड,
वाह गाइस देखिए, मैं सच में यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आइस एलिमेंटल गॉड फ्रिजमैन बन चुका हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस पूरी दुनिया में ठंडी ठंड फैला सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एक सुपर आइस फ्रीज अटैक करने वाला हूँ। प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रीज अटैक लिखिए। इस अटैक से ये बर्गर मैन हमेशा के लिए यहाँ पर बर्फ में जम जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता तू, नहीं नहीं मार दिया। वाह क्या बात है, इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। अब ये कभी भी यहाँ पर हमारी दुनिया को परेशान नहीं करेगा। अरे वाह मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया। गाइस अगर आपके वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे चाहिए जल्दी से कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच। ही